इंडिपेंडेंस डे की चीख कोलकाता से लेकर जर्मनी तक पूरे विश्व में गूंजी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक था, लेकिन अब टाइम आ गया कि सबको पढ़ाओ। अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें अगर आपके स्कूल सिस्टम में ये नहीं इन्वॉल्व हैं तो आप इसको खुद से जाके सीखो कि कॉन्सेंट्रेशन फोकस करने की प्रैक्टिस क्या होती है, न्यूरो साइंस की अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं, शास्त्र में क्या अलग अलग टेक्निक्स दी हैं, सेंस विड्रॉल आप अपने सेंसेस को कैसे विड्रॉ कर सकते हो, पर्टिकुलर सेंस प्लेजर से कैसे विड्रॉ कर सकते हो। 12-15 साल में आपको पोर्नोग्राफी मास्टरबेशन की आदत लग जाती है और आपका मेजर यूथ एक इसी सेंस प्लेजर के पीछे चले जाता है। और ये कब जाके किसके अंदर सप्रेशन में डेवलप होता है, कब जाके कहाँ फूटे किसी को नहीं पता होता। साइंस की कोई मशीन ऐसी नहीं बनी है जो आपको ये बता दे। और ये टेक्निक्स अगर आपने मास्टर नहीं करी, आपने नहीं सीखी, तो आप इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। फिर कंट्रोल तो करना दूर की बात है, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर पनप रही है। 5 सेकंड की रोड रेज में आप किसी की हत्या करने के लिए रेडी हो जाते हो, और कोई भी नॉर्मल आदमी रेडी हो जाता है। उसे खुद नहीं पता होता कि क्या चीज उसके अंदर है और वो क्या चीज डेवलप कर सकती है, क्योंकि सीड फॉर्म में होती है। तो ये ऐसी नॉलेज है जो आपको जरूर अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए, वरना उसके बिना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना ही रह जाएगा, उसके आगे कहीं नहीं जाएगा। और ऐसी चीजें होती रहेंगी, हर 6 महीने में होती रहेंगी, और कुछ टाइम बाद ये ठंडी हो जाएंगी और फिर दोबारा होंगी। आप मेरी नज़र से देखो, आप बाहर हो कोई कंट्री के, इंडिया में पॉल्यूशन का इंडेक्स ऊपर जा रहा है, एनिमल किलिंग ऊपर जा रही है, अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट, भक्ति बढ़ रही है। आपको लग रहा है आपके पाप कम हो जाएंगे सिर्फ हरिद्वार में गंगा में डुबकी मारने से? भीष्म पितामह गंगा पुत्र के नहीं पाप कटे थे, आपके कैसे कट जाएंगे? शास्त्रों को पढ़ो, अध्ययन करो उनका। विवेकानंद जी, आदि शंकराचार्य, श्री कृष्ण भगवान बता के जा चुके हैं, अभ्यास और वैराग्य ये दो चीजें आप सीखो। आप ये नहीं करोगे तो ये सारी चीजें बार बार होती रहेंगी लाइफ में। आप सब चीजें पाओ, साइंस फिजिक्स मैथ सब चीजें पढ़ो, लेकिन अगर आपने ये दो चीजें नहीं पढ़ी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऊपर जाएगा, लेकिन आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गिर जाएगा एकदम अंडर द ग्राउंड। और ये नीचे गिरा तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊपर जाने से कोई मतलब नहीं है।